था, आज आप सबके बीच एक कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसका शीर्षक है बुरे वक्त का मसीहा। पंक्तियाँ समर्पित हैं हमारे डॉक्टर्स को, पुलिस विभाग को, सफाई कर्मचारियों को और पत्रकारों को, जो आज इस संकट की घड़ी में हमारे देश के साथ खड़े हैं और अपने देश का सहयोग कर रहे हैं। पंक्तियाँ प्रारंभ। कैसा ये संकट है छाया, घर में सबको कैद कराया, मानव से मानव की दूरी, नियति ने कैसा खेल रचाया, ऐसे में देश के कर्ण वीरों ने अपनी मातृभूमि को बचाया। सफ़ेद कोट और खाकी वर्दी, सफ़ेद कोट और खाकी वर्दी ईश्वर स्वरूप बचाने आया। पूरा देश जंग ए मैदान में खड़ा है, पर हमारा पुलिस विभाग भी अपनी जिद पर अड़ा है। मुश्किल नहीं है ये बड़ी, मुश्किल नहीं है ये बड़ी, हमारा हौसला मुश्किल से भी बड़ा है। आज देश की आंखों में दर्द समुद्र से भी गहरा है, आज देश की आंखों में दर्द समुद्र से भी गहरा है, पर दोस्तों ये मेरा देश, मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत है, यहाँ कोई भी खतरा ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरा है। डॉक्टर तारनहार से बनकर, पुलिस कल्याणकार से बनकर अपना फर्ज निभा रही हैं हम देश के युवा नागरिक भी, धरा के इन वीर पुत्रों को दिल से सलामी दे रहे हैं। देश बचाते जान गवाते, देश बचाते जान गवाते शहीद हुए उन तारों को, देश की नम आंखें सदा याद रखेंगी धरती के इन कर्जदारों को। अपनी पंक्तियां उनके नाम, अगली पंक्तियां उनके नाम, बिन नाम जो गुमनाम है, घर घर से कचरा ले जाना जिनका काम है। है जहां हर मोड़ पर खतरा, है जहां हर मोड़ पर खतरा, वहीं एक सफाई कर्मचारी रख रहा है अपनी धरा माँ को साफ सुथरा। बलिदान आपका भी व्यर्थ नहीं जाएगा, बलिदान आपका भी व्यर्थ नहीं जाएगा। दुआ एक सच्चे देशवासी की है, नमन मैं भी कर रही हूँ, और आपके सम्मान में पूरा देश सर झुकाएगा, और आपके सम्मान में पूरा देश सर झुकाएगा। इस संकट की घड़ी में सबका अपना अपना है योगदान, करवा रहे हैं पत्रकार हमें सही और गलत की पहचान। अफवाहों से भयभीत ना हो देश हमारा, अफवाहों से भयभीत ना हो देश हमारा, एक पत्रकार भी सच्चाई से अपना फ़र्ज निभा रहा, एक पत्रकार भी सच्चाई से अपना फ़र्ज निभा। श्री राम की ये भूमि है, कृष्ण जहां अवतार हुए, राम नाम के पत्थर तर गए, यहाँ पत्थरों पर पुल पार हुए। संकट बड़ा है तो क्या हुआ, संकट बड़ा है तो क्या हुआ, हम इससे हार थोड़ी गए। चहल पहल सड़कों पर फिर लौट आएगी, चहल पहल सड़कों पर फिर लौट आएगी, सुख का सूरज भी उग जाएगा, श्री राम सा तू धैर्य रख, ये संकट भी टल जाएगा, ये संकट भी टल जाएगा। मेरी पंक्तियाँ मेरे देश का हौसला बढ़ाए, मेरा लिखना भी सफल हो जाएगा, मेरा लिखना भी सफल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।